हेलो ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, शांति। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, मेरे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक, और आज काफी वक्त के बाद हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अभिषेक सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच कि आज आपने वक्त निकाला और आज आप हमारे ऑडियंस के साथ जुड़े हैं। थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते। कैसे बहुत बहुत धन्यवाद यास्मीन जी। हैं आप? नमस्ते आपकी तबीयत आपको। कैसी है? बस बढ़िया है, अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया है, तबीयत ठीक चल रही है। आप बताएं, आप कैसी हैं, घर पे सब कैसे हैं? जी, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और ऊपर वाले की कृपा आप पे बनी रहे, आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। खैर, आज आपसे जुड़ने के दो वजहात रही। एक तो लोगों के कमेंट आपको लेकर बहुत ज़्यादा आ गए, लेकिन कुछ जेनुअनली मुझे लगा कि आपसे वो सवाल आप तक पहुँचने चाहिए, तो आज हम उन सवालों पर आपसे बात करेंगे। और दूसरा, हम इस चुनावी नतीजों को लेकर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा आपकी बात, जिस तरह से एग्जिट पोल का देखा गया कि पूरा सत्यानाश हो गया, और जो लोग एक अंदाजे लगा रहे थे, यहाँ तक कि सट्टा बाजार एक तरह से उस पे बातें होने लगती हैं, लोग शर्तें लगा लेते हैं, वो सब तहस नहस होके असल में जो लोकतंत्र की बात होती है, वो लोकतंत्र चुनावी नतीजों में देखने को मिला। काफी इंटरेस्टिंग रहा, बहुत सारी चीजें रही। आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे इस पूरे चुनावी मुद्दे पर और इन नतीजों पर, जो कि सभी जानना चाहते हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या देख रहे हैं कि ये चुनाव किस तरह के परिणाम रहे, और आगे 5 साल तक के भविष्य की अगर मैं बात कर लूँ, इसी में सवाल में जोड़ दूँ, तो कैसे देख रहे हैं भारत का भविष्य? देखिए, भारत का भविष्य तो ब्राइट है, क्योंकि भारत का भविष्य जो है और उसका इतिहास, वो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और भविष्य विचारों का होता है, भविष्य आइडियाज का होता है, भविष्य टाइमलेस थॉट का होता है। भारत क्या है? भारत तो पूरे जमीन के टुकड़े में एक भारत भी जमीन का टुकड़ा है, पर वो जमीन को टुकड़े उस जमीन के टुकड़े को भारत क्या बनाता है? वो बनाता है भारत में प्राप्त ज्ञान, भारत में हुए योग, वेदों का ज्ञान, योग का ज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान, मैथमेटिक्स का ज्ञान, फिजिक्स का ज्ञान। सर्वधर्म संभाव की बात करने वाला कोई देश अगर है, वो भारत है। वेस्ट ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया, भारत इक्वलिटी ऑफ रिलीजन की बात करता है, वेस्ट टॉलरेंस की बात करता है, हम एम्ब्रेसमेंट की बात करते हैं। टॉलरेंस का मतलब है, ठीक है यार, तुम गलत हो, तो हम तुमको बर्दाश्त कर रहे हैं। हमने तो कभी नहीं कहा, क्योंकि बर्दाश्त तब करना होता है जब कोई गलत हो, हम कह रहे हैं तुम भी सही हो, हम भी सही है। सो भारत की जो जो आइडियाज हैं, ये टाइमलेस हैं, ये एंशियंट नहीं है, ये टाइमलेस हैं, ये दे आर एज मॉडर्न एज एंशियंट। सो इसलिए भारत का जो मुस्तकबिल है, भारत का जो भविष्य है, भारत का जो फ्यूचर है, वो ब्राइट है। उसी का फ्यूचर होगा, और किसी का फ्यूचर नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में सब कुछ आइडिया जो होता है वो समय का होता है। जब जिस आइडिया का समय आ जाता है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। और जो लोग भारत के मुस्तकबिल को लेके परेशान हैं, उनको वो शायद भारत को समझ नहीं रहे, वो पावर ऑफ आइडियाज को समझ नहीं रहे, वो भारत को बहुत एक लिमिटेड लेंस से देखते हैं। उस लेंस का नाम है रिलीजन। भारत को रिलीजन ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, बट ये रिलीजन की उम्र मुश्किल से 40-50 साल है। लोग इसके मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं रिलीजन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिलीजन और धर्म में बहुत अंतर होता है। तो इसका बहुत छोटा उम्र है, और आपने देखा कि सेक्युलरिज्म एक विचारधारा के रूप में वेस्ट में आई, क्योंकि सेक्युलरिज्म की जरूरत भी उन्हीं को थी, और उसने वेस्ट के लोगों को रिलीजन से बहुत हद तक अलग किया, और रिलीजन उनका पर्सनल मैटर बनाया, ना कि उनका सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल मैटर बनाया। सो इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत डायनामिक है, और इंडिया इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड पावर, नॉट इन मिलिट्री स्ट्रेंथ, इट मे एक्वायर अ वेरी सब्सटेंशियल मिलिट्री स्ट्रेंथ, बट इंडिया वुड बी वर्ल्ड पावर ऑफ नॉलेज, इंडिया वुड बी पावर हाउस ऑफ नॉलेज, विजडम, टेक्नोलॉजी, फिलोसफी, यू जस्ट नेम इट, मेडिसिन, इट विल ऑल बी इंडिया। जी बिल्कुल। हाँ जी, और इन चुनावी परिणामों के बारे में आप क्या राय रखेंगे राजनीतिक? जी देखिए, चुनावी परिणाम, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। चुनाव के परिणाम से मैं बिल्कुल निराश था। उसका रीजन ये है कि मुझे निराशा तो थी, पर मुझे कहीं पर ये डर था कि ऐसा कुछ होने वाला है। इसलिए जब एग्जिट पोल आ रहे थे, मुझसे कई लोगों ने कहा कि आप अपने व्यूज दीजिए, मैंने नहीं दिए, बिकॉज देयर वाज समवेयर एट द बैक ऑफ माय माइंड आई हैड दीज अप्रिहेंशंस कि ऐसा कुछ होने वाला है।
और उसका रीजन ये है कि ये चुनाव जो लड़ा गया वो एक अजीब सी नैरेटिव पे लड़ा गया, जिसमें कि र्यूमर जो था, अफवाह जो थी, झूठ जो था, उसको प्रचारित किया गया मोदी जी के अगेंस्ट में। तो वो मुझे लग रहा था कि क्या उसको वो डिस्पेल कर पाएंगे। जैसे 400 का पार मैं समझ सकता हूं कि एक ऐसा चुनावी नारा था जिसमें ये था कि अगर राजीव गांधी जी ने के समय में कांग्रेस को 400 पार मिले थे तो हमारी भी महत्वाकांक्षा है कि हम 400 पार हो जाएं। बट वो उसको जो ट्विस्ट दिया गया कि ये रिजर्वेशन को हटा देंगे, इसको हिंदू राष्ट्र बता देंगे और क्या इससे हो जाएगा, आपका सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, उसके बाद अजीब अजीब सी र्यूमर्स के तहत जो है ये चुनाव लड़ा गया। कोई मुद्दा तो था नहीं, मुद्दा तो एक था कि मोदी को हटाना है। तो ये तो मैं कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की कैरिस्मेटिक लीडरशिप थी कि वो बच गए, वरना ये ऑनस्लॉट जिस तरीके का था इसको कोई नाप नहीं पाया। ये जो प्रोपोगेंडा और लाइज का ये जो ऑनस्लॉट चलाया गया, क्योंकि जिन जिन बातों को फैलाया गया उनमें कोई तथ्य नहीं था। जैसे भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, अरे भाई भारत हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पे ये वेद की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, ये मुनियों की भूमि है, योग की भूमि है, आयुर्वेद की भूमि है, और किसकी भूमि है ये? बाकी रिलीजन तो बाहर से आए हुए हैं। जो आपकी जमीन है वो आपके दादा परदादा के दादा के परदादा से आप इनहेरिट करती चली आ रही हैं, आपके बाद आपके बच्चे भी उसको इनहेरिट करते जाएंगे। उसी तरीके से ये भूमि हमने हमारे पूर्वजों से इनहेरिट किया, जिसको हम भारत कहते हैं। इसीलिए सारी दुनिया को नेशन स्टेट दिया गया। अब अगर आप नेशन स्टेट के जमाने में भी भारत में ये कहना चाहते हो कि हिंदुओं का कोई राष्ट्र नहीं है, हिंदुओं का कोई देश नहीं है, तो ये मूर्खता वाली बात है, इस बात में कोई दम नहीं होता। तो मेरे ख्याल से इसको दबे छुपे कहने की जगह अब इसको साफ प्रोक्लेम करना चाहिए। जिसके मन में जो डर है, हदस है, वो आके बातचीत करे। आखिर मुझे समझ में नहीं आता कि इस्लामिक राष्ट्र हो सकता है, अरबों का राष्ट्र हो सकता है, यूरोपियंस का राष्ट्र हो सकता है, तो हिंदुओं का राष्ट्र होने में क्या बुराई है, ये मुझे समझ में नहीं आता। तो एक बार ताल ठोक दिया जाए कि भाई इंडिया एक हिंदू राष्ट्र है, और उसमें भी गहन चर्चा हो जाए 1-2 साल, जो जो लोगों के जो कंसर्न्स हैं वो खत्म हो जाए वंस एंड ऑल। बिकॉज हराया तो इसी ने ना, कोई मुद्दा थोड़े था मोदी जी के अगेंस्ट में, झूठ बोल करके अफवाह फैला के कि आरक्षण छीन लेंगे, 10 साल रहे आरक्षण नहीं गया। तो हाउ कैन यू, अब अगर मैंने ना, मैं इस पावर ऑफ मिसकम्युनिकेशन को मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ फेस करता हूँ इसको। आपके पीछे लोग आपके बारे में वो परसेप्शन, क्योंकि लोग होते हैं इस तरीके के, वो झूठ बोलने से भी नहीं वो बचते, वो आपका परसेप्शन लोगों के दिमाग में जा जाके इधर कुछ बोल देंगे, उधर कुछ बोल देंगे, और आपका परसेप्शन दुनिया के बारे में बना देते हैं। दे आर वेरी डेंजरस। बट बीजेपी को उसका काउंटर ढूंढना चाहिए था, वो कर नहीं पाया, और उसका रीजन था एरोगेंस। और दूसरा, जो वोटिंग का जो रिजल्ट आया उसमें बहुत हद तक एक ये भी रीजन था यास्मिन जी, कि लोग वोट ही देने नहीं गए बहुत ज्यादा। जो ये पहले तो बार में जब 45-50-55 के पास जब वोट हुआ तो भी मुझे डर लग गया कि भाई ये तो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि वोट देने जो जिसको जाना चाहिए था वो कॉम्प्लेसेंट हो गया, बाकी जो लोग निकले उन्होंने अपना वोटिंग प्रेफरेंस दिया। तो बात तो सही थी कि जो पहले राउंड में कहा था अखिलेश जी ने और लोगों ने कि उनके लोग वोट देने आए, मगर इनके लोग वोट देने नहीं गए। अदरवाइज मैं बनारस का रहने वाला हूँ, बनारस में जो मोदी जी ने काम किया है वो अकल्पनीय है, अद्वितीय है। उसके बाद वो अगर 1 लाख वोट से जीत रहे हैं या 1.5 लाख वोट से जीत रहे हैं तो देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम विद द पीपल। और उसका एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि लोग वोट ही देने नहीं निकले। जो मोदी जी के विपक्ष का वोट था वो तो पड़ा ही, लेकिन जो मोदी जी के पक्ष का वोट था वो नहीं पड़ा, लोग अपने घर से नहीं निकले, वो किस्मत से मोदी जी बच गए, वरना ये ऑनस्लॉट बहुत जबरदस्त था। और ये जो प्रोपोगेंडा था, ये जो झूठ का वो था, वो इतना ज्यादा उसमें उसने लोगों के अंदर एक तरीके का भाव और भय क्रिएट किया था कि लोग आकर के वोट दिए, और जिसको जो लोग इस मोदी जी के फेवर में थे वो गर्मी में अपने घरों में रहे और इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे बिजी रहे, दे डिडंट कम आउट एंड वोट। तो मैं भी उनमें से एक था, ऐसे देखता हूँ मैं। बिल्कुल। अच्छा, जो आप ये पूरा बता रहे हैं कि वोटर टर्नआउट भी जो रहा वो कई जगहों पर बहुत डाउन गया है पिछली बार के मुकाबले, और बहुत सारी चीजें ऐसी देखी गई जो कि मैनिफेस्टो में नहीं थी। और तो ये फिर क्या ही बात रह जाती है जब जो चीज जिस चीज की घोषणा ही नहीं की गई है मैनिफेस्टो में, उसका कोई जिक्र नहीं है, उसको लेकर इतना बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन मिसकॉन्सेप्शन का प्रोपेगेंडा चल गया देश में, तो ये तो काफी घातक हो सकता है आगे आने वाले समय में। और इसीलिए मैंने एक राजनीतिक
परिपेक्ष में पूछा कि आगे आने वाले 5 साल का जो वक्त है वो भारत के भविष्य के लिए कैसा रह सकता है, जहां पर मिस इन्फॉर्मेशन इतनी तेजी से फैल सकती है कि जिसका असर जो है वो एक पूरे के पूरे चुनाव में देखा गया हो, और जो चीजें बड़ी तेजी से वायरल हुई जिनका मैनिफेस्टो में अगर हम देखें तो जिक्र नहीं था, जैसे संविधान बदल जाएगा, तो ये संविधान बदलने का कहाँ से आया, कैसे आया? और हालांकि देखा गया हमने जो पार्टी के ही लोग थे उन्हीं में से किसी ने ये स्टेटमेंट दिया, किसी ने किसी जगह पर कोई स्टेटमेंट दिया वो वायरल हुआ, तो ये चीजें भी बहुत फर्क की हैं। और जो आपने वोटर टर्नआउट की बात की सर, तो उसमें कश्मीर का देखा गया, कश्मीर से निकल के बहुत ज्यादा तादाद में लोग निकले। उसी दिन महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहा था जब कश्मीर में बारामूला में देखा गया, तो कहा जा रहा था कि असली हीरो तो ये हैं, ये लोग लोकतंत्र के सिपाही हैं जो इतनी तादाद में बाहर निकले हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, मैं ये समझ नहीं पाता, ये हिंदू राष्ट्र से क्या क्या प्रॉब्लम है लोगों को? मुझे ये बात नहीं समझ में आती। ये हिंदू राष्ट्र के बारे में कुछ हमारे जो छोटे कास्ट के हैं, मैं तो किसी कास्ट को छोटा नहीं मानता, मैं तो अपने आप को शूद्र मानता हूँ, मैं प्राउड शूद्र। तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि हिंदू राष्ट्र से क्या होगा, क्यों ये इसको कि कोई अगर अनंत हेगड़े साहब ने कह दिया तो उसको क्यों ढकी छुपी बात में उनको निकाल देना। ठीक है, चूंकि ये चुनाव में तो मैं समझ सकता हूँ कि जो एक बार परसेप्शन बना दिया तो उसको डिस्पेल करना बहुत मुश्किल होता है, पर अब सरकार के पास 5 साल है और ये बात अब तय होनी चाहिए कि भारत में जो ये एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन को मानने वाले लोग हैं, क्या उनको अपने तरीके से जीने का अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा? हम खाली राम राम इसलिए ना कहें क्योंकि कोई आदमी जो है वो राम को भगवान मानने को तैयार नहीं, उसको राम के नाम से एलर्जी है, ये उसकी समस्या है भाई। मैं अगर अरब में जाता हूं तो मैं अरबिया में जाकर के तो राम राम नहीं बोलूंगा, मैं वहां सलाम वालेकुम बोलूंगा। मैं अगर यूरोप में जाता हूं तो मैं यूरोप में जाके तो राम राम नहीं बोलूंगा, वहां मैं गुटन मॉर्गन बोलूंगा, गुड मॉर्गन, गुड मॉर्निंग बोलूंगा, बोनस दियस बोलूंगा, बॉन्जूर ने बोलूंगा, जो वहां की भाषा है वहां बोलूंगा। ये कौन है जो इनको राम राम से प्रॉब्लम है? राम को इन्होंने वॉर क्राई बता दिया। कंपेयर तो करो ना, जब इस देश में जाकिर नायक के टीवी चैनल चला करते थे क्यू टीवी, तो बहुत सही हो रहा था, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। हिंदुओं ने ऐसा क्या पाप कर दिया भाई? क्यों ढके छुपे पे बात में ये बात होनी कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो ये हो जाएगा? क्या हिंदू राष्ट्र में बुराई है? बात तो करो, बात तो करो। अगर कुछ हिंदू जो समाज रहा होगा, जो वैदिक समाज में गलतियां हुई, उन गलतियों को ठीक किया जा सकता है, जो कमियां हुई उनसे माफी मांगी जा सकती है। किसने नहीं मांगा? अभी पुर्तगाल ने माफी मांगा अपने एक्शंस के लिए, स्लेवरी जो उसने अफ्रीका में मनाई उसके लिए। ब्रिटेन माफी मांगता है अपने कॉलोनियलिज्म के लिए। खाली आप एक इस्लामिक आक्रांताओं को छोड़ दे, बाकी सब माफी मांगते हैं कॉलोनियलिज्म के लिए। इस्लामिक आक्रांता जो है, और भारत का कम्युनिस्ट जो है, वो इस्लाम के इंपीरियलिज्म को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बताता है, ये उसकी प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं भाई, मेरा मानना यह है कि मैं एकम सत बहुधा विप्रा वदंती का मानने वाला बंदा हूं, जो ये कहता है वेद का ये जो मंत्र है ये आर्टिकल 25 से कहीं ज्यादा प्रभावी है। आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और आर्टिकल और जो वेद का ये आर्टिकल है वो कहता है देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में और इक्वलिटी ऑफ रिलीजन में बहुत अंतर होता है। भारत में हिंदुओं में आप अगर एंशियंट हिंदू लॉ पढ़ेंगी तो उसमें हिंदू किसी से भी शादी कर सकता था, चाहे वो कास्ट में हो या आउटकास्ट में हो, लेकिन हिंदू एक्ट बना करके हिंदुओं को कह दिया कि तुम हिंदू के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट इस्लाम का है कि तुम मुसलमान के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकते, हिंदुइज्म में ये नहीं था। मैंने केस पढ़ा, बच्चों को पढ़ाया मैंने, उसमें क्या हुआ, एक ब्राह्मण महोदय थे, उनकी पहली पत्नी हिंदू थी, उनकी मृत्यु हो गई, दूसरी शादी उन्होंने एक क्रिश्चियन लेडी से कर ली, उसके बाद वो क्रिश्चियन लेडी से उनको 2 बच्चे पैदा हुए, उसके बाद उनका देहावसान हो गया। इन 2 बच्चों ने क्लेम किया उनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कि भाई हमारा हक होना चाहिए, तो वो हुआ कि भाई ये तो हिंदू लॉ के हिसाब से वो होगा, आप तो हिंदू नहीं, आप तो क्रिश्चियन हो। तो पॉइंट ये आई कि क्या इनका जो वैलिड मैरिज है या नहीं है, यानी एक हिंदू और क्रिश्चियन के बीच का मैरिज वैलिड है या नहीं है, तो उसके लिए फिर एंशियंट टेक्स्ट को देखा गया हिंदुइज्म में, तो पता चला कि भाई अनुलोम प्रतिलोम मैरिज होता था, कि यदि कोई बड़े कास्ट का लड़का छोटी कास्ट में शादी करे तो उसको कहते थे अनुलोम मैरिज, जो बड़े कास्ट की लड़की छोटे कास्ट में शादी करे उसको कहते थे प्रतिलोम मैरिजेस, तो वो मैरिज को अलाउ करते थे चाहे वो किसी से भी हो जाए। अलेक्जेंडर के जो जब अलेक्जेंडर गया, सेल्यूकस की बेटी ने क्या चंद्रगुप्त मौर्य से शादी नहीं करी?
तो ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हमारे यहाँ हिंदू लॉ को भी मुस्लिम के पॉइंट ऑफ व्यू से बना दिया कि हिंदू सिर्फ हिंदू में शादी करेगा। क्यों भाई? तो पॉइंट ये कि इंडिया को इंडिया के नजरिए से, इंडिया की फिलॉसफी से देखना ही नहीं चाहते ये। हमारे कोर्ट्स ने भी ये मान रखा है कि इंडिया लैंड ऑफ इमिग्रेशन है। हमारी कोर्ट्स ने जो है सेक्युलरिज्म की ऐसी परिभाषा दी है जो समझ के बाहर है। इक्वलिटी ऑफ रिलीजन को, अरे फ्रीडम ऑफ रिलीजन को सेक्युलरिज्म से तुलना करते हैं। यूरोप में जहां सेक्युलरिज्म आया वो है चर्च, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। जो अभी आपका कर रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब, चर्च फ्रॉम, जो सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट था वो कह रहे हैं सेपरेशन ऑफ कुरान एंड स्टेट। तो जब तक आप जिसको सेक्युलर होना है उसको आप सेक्युलर नहीं बना रहे हो, और जो कम्युनिटी ऑलरेडी सेक्युलर है, जो कह रही है कि हाँ भैया सब सही है, उसको तुम ये बता रहे हो कि नहीं तुम्हारे राजाओं ने भी मंदिर मस्जिद तोड़े। हमें तो आज तक नहीं याद है कि भाई हमने कहीं पढ़ा हो कि तुम किसी का मंदिर तोड़ दो या किसी की मस्जिदें तोड़ दो या किसी का चर्च तोड़ दो। जब आप कंपैरिजन में आ जाते हो कि भैया तुम गलत हो तुम गलत हो, सामने वाला रिएक्शनरी हो जाता है। बॉटम लाइन मैं ये कह रहा हूं भाई, मैं कह रहा हूं हम सब एक है। आपको पूरा हक है, आप अल्लाह को मानिए, आप जैसे एकम सत बहुधा विप्राह वदंती में, अगर इंद्र एक भगवान है, मित्र एक भगवान है, वरुण एक भगवान है, तो उसमें अल्लाह भी आ जाएंगे, जीसस भी आ जाएंगे, उसमें सब आ जाएगा। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसमें फिर इंद्र और राम और ब्रह्मा और विष्णु महेश की कोई जगह नहीं बचती। तो किसको सेक्युलर होना है भाई, ये तो समझा दो। ये उल्टी गंगा कब तक चलाओगे तुम? टू नेशन थ्योरी को कहते हो, हमने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, फिर गंगा जमुना तहजीब भी आ जाती है। टू नेशन थ्योरी साला अंग्रेजी वर्ड है, उसी का हिंदी वर्ड है गंगा जमुना तहजीब। अगर मैं कल को मुसलमान हो जाऊं तो मेरी तहजीब और मेरे भाई साहब की तहजीब अलग हो जाएगी। ये कौन सा इलाफ है? मैं और कौन सी तहजीब है मुस्लिम की भाई? तुर्कों की तहजीब है या अरबों की तहजीब है? अरब और तुर्क एक दूसरे को देख नहीं सकते। तुर्कों ने जाकर के अरबों के जमीन पे कब्जा किया हुआ है, अरब आज भी उनको अपना नहीं मानते तुर्कों को। कुर्द और तुर्कों में लड़ाई नहीं चल रही आज तक। तो तुर्क तो सेंट्रल एशियन है, तो आप सेंट्रल एशियन हो तो बता दो। हमारे यहां तुर्कों को मुगल करके पढ़ा दिया। तो पॉइंट ये है कि ये इस झूठ से लड़ने के लिए आपको गर्दन कटवानी पड़ेगी। अगर कोई, चूंकि इन्होंने केरोसिन छिड़क दिया है नफरत का, कि अब आपको सच नहीं बोला जा रहा। साउथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट को साउथ एशिया बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि किसी को बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है इंडियन नाम से, मुझे ये समझ में नहीं आता। हम क्यों इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं कहे? क्योंकि कोई इसको साउथ एशिया कहना चाहता है। तो तुम कहो, कल को तुमको भाई एक अरेबिक ओशन है यहाँ पे, हम तो उसको अरेबियन सी कहते हैं। मैं गोवा में रहता हूं तो जिस कोस्ट पे जाता हूं, अब मुझे बुरा लगे कि नहीं भाई अरबी मत कहो इसको, क्योंकि हमारा जो है वो धार्मिक भावना आहत हो रहा है। ये क्या पागलपन है? वो है सदियों साल से अरेबिक ओशन, तो हम कहेंगे उसको अरेबिक ओशन। तुम इंडियन ओशन नहीं कहना चाहते, इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं कहना चाहते, तो ये कौन सा रिलीजन है कि नमस्ते कहने में दर्द हो रहा है, राम राम कहने में दर्द हो रहा है? ये क्या सारा कल्चर ये रातों रात मिटा दे, हम क्या करें? हम तो खुल के डिबेट करिए, ताल ठोकिए, जैसे थियोडोर हर्जल ने किताब लिखी द डेड ज्यूइश स्टेट, वरना ज्यूस खत्म हो गए थे पूरी दुनिया से। और हिंदुओं को भी एक बात कहनी पड़ेगी कि भाई एक हिंदू राष्ट्र बनाओ तुम, उसमें हमारे जो जो छोटे कास्ट के भाई बहन हैं, जैसे मैं अपने आप को बड़े कास्ट का नहीं मानता, मैं तो शूद्र मानता हूं अपने आप को, आई एम अ प्राउड शूद्र। बात करें उनसे, उनके बीच के जो जो कष्ट हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे माफी मांगे हाथ जोड़ के, कि अगर किसी समय में किसी ब्राह्मण इंडिविजुअल ने अगर कोई परेशानी की, बदमाशी की, तो उसके लिए हम सब भाई उनसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। लेकिन अब समाज को आगे निचलना होगा, क्योंकि आपको ये डिस्टिंक्शन तो करना पड़ेगा ना कि भाई क्या यहाँ की ओरिजिनल है और क्या यहाँ पे आउटसाइडर है। तो पॉइंट ये है कि ये क्यों, क्योंकि जब तक ये आप सेटल नहीं कीजिएगा, आपको इस्लाम का सेक्युलराइजेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे लोग शरिया मांगना चाहते हैं और बाकियों से उम्मीद करते हैं कि वो पार्लियामेंट्री लॉ से चले। तो डिमांड फॉर शरिया सेक्युलरिज्म होता है। सेक्युलरिज्म का मतलब ही होता है सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम द स्टेट। अनलेस एंड अनटिल द मुस्लिम स्टार्ट सेइंग कि हमें शरिया नहीं चाहिए, हमें पार्लियामेंट्री लॉ चाहिए, तब तक सेक्युलरिज्म नहीं होगा इस देश में। तो सेक्युलरिज्म का खाली एक एक सोसाइटी को आप बोलोगे सेक्युलरिज्म, दूसरे को शरिया, ये कैसा सेक्युलरिज्म है?
सो पॉइंट ये है कि अगर ये हिंदू राष्ट्र का मुद्दा बार बार उठता है, इस पे बैठ के चर्चा होनी चाहिए, खुलेआम होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज कि कोई मेरी गर्दन काट देगा क्योंकि कोई नाराज हो जाएगा, तो गर्दनें मेरे जैसे 75 आएंगी और वो कटती रहे, लेकिन सत्य को बोलना पड़ेगा और बिना लाग लपेट के बोलना पड़ेगा कि भाई ये है चीजें, वरना सबको लड़ा दिया है। अरे भाई यास्मी जी, आप हमारी हैं, हमारे बाप दादा एक है, आपका रिलीजन जो भी, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप मत मानिए किसी मूर्ति को, आप अल्लाह की पूजा कीजिए, हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन आप इसके लिए कहेंगे कि हम अलग है, हमारा कल्चर अलग है, आप अरबी हैं, आपका कल्चर अरबी का कल्चर है या तुर्कों का कल्चर है, आप घोड़े का मांस खाती है, आप घोड़े का दूध पीती है, या आप ऊंट का मांस खाती है, ये पागलपन नीड्स टू बी स्टॉप कि हम एक लोग हैं, हमारा रिलीजन कुछ भी हो, अल्लाह को मानना है माने, बिल्कुल बिल्कुल, जिसको जो मानना है माने। मैं बहुत ही इसे पर्सनल समझती हूँ, आपकी इबादत कितनी, कैसी इबादत कर रहे हैं, तरीका क्या है, कर भी रहे हैं नहीं भी कर रहे हैं, इससे कोई भी किसी तीसरे की बदाखलत नहीं होनी चाहिए, आप अपना पर्सनल रखें उसे, और जब तक ये घरों और इबादत गाहों से बाहर नहीं आते हैं रिलीजन, तब तक ही सुकून रहता है। जैसे ही बाहर आते हैं, पॉलिटिक्स में आए, सड़कों पर आए, आपसी रिश्ते रिश्ते नाते में आए, तभी तनाव और तभी शांति भंग होती है, और ये लोगों को समझना होगा। और यहाँ तो जब देखिए हम चुनाव की बात कर रहे हैं, यास्मी चुनाव जी, परिणाम की बात मैं कर रहे हैं, समझ तो यहाँ तो रहा घुसा हुआ है। आप देखें, यूपी बिहार में जाति संप्रदाय के नाम पर ही आज भी बटे हुए हैं लोग, देखते हैं अच्छा ये भाई, किस जब संप्रदाय से है, ये किस जाति से है, इसका क्या कास्ट है, ये चीजें होती नहीं, हैं अभी भी मैं बड़े स्तर पर एक चीज होती हैं। बोलूं, जब तक रिलीजन वर्ड यूज होगा, रिलीजन का काम ही है कि वो आपके जीवन के हर पहलू को टच करेगा, इसीलिए वो रिलीजन है। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का अंतर तो समझना पड़ा। अगर आप कह रही है ये मेरा रिलीजन है, इसका मतलब है कि ये फिर आपको पूरा कोड ऑफ कॉन्डक्ट देगा कि यास्मीन जी को ऐसे रहना है, वरना आपको ये कहना पड़ेगा कि ये मेरा बिलीफ है बस, रिलीजन मेरा कुछ नहीं है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल जो गवर्नेंस है वो मेरा है। जब तक ये नहीं कहा जाएगा कि पार्लियामेंट, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कि भारत की जो सुप्रीम डॉक्यूमेंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और भारत का जो कस्टम और कन्वेंशन है, भारत का जो मोरालिटी है, वो आता है वेदों से, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन का अम्बिलिकल कॉर्ड वेद से जाके जुड़ेगा, इस कॉन्स्टिट्यूशन का अम्बिलिकल कॉर्ड कुरान से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आपको वहां की कल्चर का आइडिया नहीं है। सो बॉटम लाइन ये है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, वरना ये देश यूं ही लड़ता रहेगा। ये पहचान की लड़ाई लड़ रहा है ये देश, मुसलमान भी अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहा है, हिंदू भी अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहा है, उसमें कोई दलित पहचान की लड़ाई लड़ रहा है। इस देश का पहचान ही नहीं बन पाया पिछले पिछले 70 सालों से, किसकी क्या पहचान है, और इतनी पहचान को कंफ्यूज कर दिया है झूठ बोल करके, सच नहीं बताने को। अरे जो सच है वो बोलो, अगर औरंगजेब को अच्छा पढ़ाना चाहते हो तो मासीर आलमगीर पढ़ाओ, फतवा आलमगीर पढ़ाओ, जो किया उसने वो बताओ, झूठ बोल करके क्यों बताना कौन क्या है। तो भारत की ये जो प्रधानमंत्री मोदी जो आए हैं, ये जो 36 सीट हार गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुत होगा एक जगह पे कहीं 15,000 वोट से ये जीत हारे होंगे, कहीं 50,000 वोट से हारे होंगे, कहीं पे 15,000 वोट से जीते होंगे, ये आ जाएंगे सीट इधर उधर, सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने उस दिन जाके गुस्से में ले दी, अब जैसे मैं देखा था कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लोग, मुस्लिम महिलाएं बेचारी वो लेके खड़ी कि हमें 8,000 रुपए डाल दो। अब अगर इस पे इलेक्शन होना है कि हम 8,000 रुपए डाल देंगे, हम उस पे डाल देंगे, तो ये तो अफवाहों का इलेक्शन था ना, कि वो संविधान बदल देंगे। संविधान में क्या है कि बदला जाए, जो संविधान पढ़ा है, मैंने संविधान पढ़ा हूँ, संविधान में क्या है बदलने, 8,500 रुपए देने का नहीं, मैं ये चलिए संविधान बदल देंगे, 400 सीट पे संविधान बदल जाएंगे, संविधान में क्या है बदलने के लिए। तो यहाँ 3 सीट्स की बड़ी चर्चा रही है, काफी सारे पॉइंट्स ऐसे रहे जो काफी इंटरेस्टिंग रहे, लेकिन उसमें 3 सीट्स जिसमें अमृतपाल सिंह और बारामूला से इंजीनियर राशिद, और एक इंदिरा गांधी जी के जो हत्यारा उसके बेटे की सरबजीत सिंह खालसा, ये 3 सीट्स पे काफी चर्चा रही। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सर कि आगे आप इसका ज्यादा अच्छे जानकार हैं आप, तो इसका क्या संवैधानिक पेज रहेगा, ये किस तरह से शपथ लेंगे, और अगर ये आगे जाकर दोषी ठहराए जाते हैं, क्योंकि एक एनएसए के तहत जेल में है और दूसरा यूएपीए के तहत जेल में है, और लोगों ने इनको जिताया है, ये इंडिपेंडेंट आए हैं, तो ये भी ताकत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है इन लोगों को कि आप के ऊपर क्या आपराधिक इल्जाम है, उसके बावजूद भी आप इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते भी हैं, लेकिन अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो उसके बाद क्या रहेगा इसका।
एक कॉन्स्टिट्यूशनल पूरा प्रोसेस, थोड़ा ये हमें एक्सप्लेन कर दें। देखिए, इसका कॉन्स्टिट्यूशन से तो लेना देना नहीं है, ये पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट से ये गवर्न होगा सिचुएशन। अभी आप इसको ऐसे देखें कि अफजाल अंसारी थे वहां मऊ के, नहीं गाजीपुर के, तो अफजाल अंसारी जी जो थे वो कन्विक्ट हो गए। गाजीपुर, तो अकॉर्डिंग टू द पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, अगर आपको कोई ऐसे ऑफेंस में सजा मिल जाए जिसमें कि 2 साल से ज्यादा की सजा कारावास आपको यदि मिलता है, तो फिर आपकी जो सदस्यता है वो अपने आप खारिज हो जाती है, आप उसको अपने आप वेकेट मान लिया जाएगा, आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो कैंसल आउट हो जाएगी, जैसे लालू जी के साथ हुआ था। तो जो आपको याद होगा 2014 में जब इलेक्शन की शुरुआत हो रही थी, तो राहुल गांधी जी ने आके एक ऑर्डिनेंस फाड़ा था पब्लिक में, वो ऑर्डिनेंस यही था, उस ऑर्डिनेंस में ये था कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट को अमेंड किया जाए, चूंकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी, तो एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करके, ऑर्डिनेंस पावर का और प्रेसिडेंट का इस्तेमाल करके ये लाया गया था कि ये 2 साल की सजा को 5 साल बढ़ा दो, चूंकि लालू जी को उस समय 2 साल की सजा हो चुकी थी चारा साल चारा के केस के उसमें, तो उनकी चूंकि वो हो गई थी एलिजिबिलिटी की, वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते, चूंकि आई गेस 2 केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है, इवन राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन भी बाय दैट प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन से गवर्न होता है। तो ये लोग हैं, जब तक ये लोग दोष मुक्त हैं, ये आए अपना वो लड़े, और अगर जिस दिन ये इनका अपराध सिद्ध हो जाएगा किसी कोर्ट के द्वारा, ये दोषित डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। अब ये है कि जब तक अपील होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट होगा, तो फिर जैसे अफजाल अंसारी जी के केस में, उसमें अफजाल अंसारी को मुकदमा वो कन्विक्शन हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जाके उस कन्विक्शन को सस्पेंड कर दिया, और फिर अब वो अपील में है, तो तब तक उनका कन्विक्शन चूंकि सस्पेंडेड है, तो उनकी सारी की सारी जो जो इन एलिजिबिलिटी थी वो हट गई। तो ये बहुत सिंपल है, जैसे ही उनको सजा होगी अगर 2 साल से ज्यादा की, अपने आप उनका जो चुनाव है इलेक्शन है वो निरस्त हो जाएगा, और वो सीट वहां से खाली मान ली जाएगी, और वो फिर से इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएगी, मगर ये जब तक वो फाइनल स्टेज तक कन्विक्ट ना हो जाए, तो ये उस पे लॉ है। तो दैट इज नॉट अ कंसर्न। कंसर्न ये है कि भारत ने, ये जो लोग हैं ये कौन है, इंजीनियर राशिद है, मैंने उनको सुना हुआ है, टीवी पे आते थे पहले, रैबिड हैं वो एकदम, जो कश्मीर की इस्लामिक आइडेंटिटी को लेकर के। अमृतपाल सिंह कहता है कि हम तो जी पहले सिख हैं, हम तो जी पहले ये हैं वो हैं। भारत में पर्सनल लॉ का जो नाटक करके लोगों को अलग रखा गया है, तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 में यूसीसी नहीं दिखता, और एक जजमेंट से, एंड इट वाज अ पुअर जजमेंट रासू अप्पा मलिक का, उसमें जो है कह दिया, चूंकि अंग्रेजों के बनाए हुए एक्ट में पर्सनल लॉ वर्ड नहीं था, या कोई ऐसा वर्ड नहीं था, उसको इंटरप्रेट करके कह दिया कि पर्सनल लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट के दायरे में नहीं आता, इसलिए आर्टिकल 13 के जो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के जो डेफिनेशन है उस कस्टम में पर्सनल लॉ नहीं आता, ये उनका इंटरप्रिटेशन था, अजीब सा इंटरप्रिटेशन था। और वो केस क्या था, वो केस ये था कि बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे की स्टेट ने एक लॉ बनाया, उसका नाम था हिंदू पॉलीगेमी एक्ट, तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने हिंदुओं में पॉलीगेमी को क्रिमिनलाइज कर दिया, तो ये एक्ट चैलेंज हो गया आर्टिकल 14 के वायलेशन के रूप में, कि भाई हिंदुओं का लॉ, अगर हिंदुओं को तुम पॉलीगेमी बैन करो तो मुसलमानों को क्यों नहीं बैन कर रहे। तो उसमें उन्होंने कह दिया कि भाई ये जो कस्टम लॉ है वो फंडामेंटल राइट के दायरे में नहीं आता, इससे पॉलीगेमी जो है कोई अगर है भी तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता इस आधार पर, तो ये स्टेट ने जो लॉ किया है वो कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, क्योंकि वो फंड, अगर स्टेट का लॉ डिस्क्रिमिनेट करता तो बात भी होता है, एक पर्सनल लॉ है एक स्टेट मेड लॉ है, तो स्टेट मेड लॉ को पर्सनल लॉ से कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके के जजमेंट्स हैं, अब आप क्या कीजिएगा, ये भारत का, मैं कल पढ़ा था एक हाईकोर्ट का जजमेंट था, वो कह रहे भारत का जो कस्टम कन्वेंशन है वो ब्रिटेन के कस्टम कन्वेंशन की तरह नहीं है। बच्चों को ये भी पढ़ाना है कि ब्रिटेन में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन उनका कस्टम और कन्वेंशन कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कस्टम और कन्वेंशन नहीं होगा। अरे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन टिप ऑफ द आइसबर्ग है, भारत का जो जो सामाजिक ढांचा है, जो भारत की मोरालिटी है, और बाकी जो लॉज हैं ये आपको हजारों वर्ष से जो बने हुए वही लॉज चलते हैं। शादी के लिए जो रिचुअल्स है वो क्या, आप चाहे मुसलमान भी हो, उनके शादी, वो बारातें निकलती है, किस मुस्लिम सोसाइटी में बारात निकलती है जरा बताइए। मैं कजाकिस्तान में अपने फ्रेंड की शादी में गया था, मुस्लिम थे दोनों, वो तो बकायदा सफेद लड़का वो ड्रेस पहन के आई लड़की, और लड़का जो है सूट बूट में आया, और उसके बाद वहां काजी जीते, कबूल है गेम खत्म हो गया। और यहाँ पे लड़का है तो मुसलमान है, गंगा जमुना तेजी, लेकिन बारात में घोड़ा बन के आ रहा है, दूल्हा बन के प्रोसेशन निकल रहा है, ये कौन सा इस्लाम है भैया।
ये कहाँ का, ये अरबों का कल्चर है, अरबों के बारात निकलती है, मतलब उसके बाद भी कहेंगे कि हम तो अलग है, हमारी तो तसखुस अलग, हिना भी लगवानी है शादी में, मेहंदी भी लगानी है, संगीत भी होना है, सब कुछ वही होना है, लेकिन एक ये हम अलग है, ये तो पागलपन है। हिंदी फिल्मी गानों पे डांस भी होता है, हिंदी फिल्मी, हाँ जी हाँ जी, उसके बिना हिंदी कैसे हो फिल्मी जाएगा गानों पे भाई, डांस भी होता है खूब। डांस भी होगा, जूता चुराई भी होगी, सब कुछ होगा, दुल्हन भी जाएगी अपने घर में तो खाना बनाएगी, वो वही कल्चर फॉलो कर रही है, लेकिन वो अलग है हमसे, ये पागलपन है और क्या है। वरना आप बताइए किस इस्लामिक कंट्री में, मलेशिया में चली जाइए, अरबिया में चली जाइए, ये जरा घोड़ी पर टक 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 और मेरे यार की शादी है और यूं झूले राजा बन के नाग में नाच रहे, कहाँ होता है, नहीं होता ऐसा। तो आप अगर कुछ लोग कर रहे हैं कुछ लोग नहीं कर सही रहे हैं बात है मुझे नहीं भारत। पता, तो आप जरा अरबों की शादी देखिए, मैंने तो देखा है, सेंट्रल बहुत सारे एशियंस की लोग, शादी मैंने देखी, बहुत और लड़की लाल हाँ, जोड़ाई बहुत सारे लोग पहनेगी, होंगे वो इसको एक, हाँ, राइट, वो लाल सफेद जोड़ाई पहनती पहनेंगे, हैं। बहुत सारे सादगी से करते हैं, लेकिन जो जो मेजोरिटी आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ज्यादातर शादियां ऐसे ही हो रही हैं, बहुत धूम धड़क्के के साथ बैंड बाजा बारात होता है, गजल नाइट होती है, हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स होते हैं और उस पर डांस होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। अब पता नहीं यहाँ पर लोग क्या क्या कमेंट करने लगे, अभी मेरी तो शादी नहीं हुई है खैर, तो वो पता नहीं कैसे होगी, तो कहीं उस पर आके कमेंट नहीं कर देना तुम ये करो लोग पकड़ते हैं ना हमने बात करी है, लेकिन सर की बात बिल्कुल ठीक है कि आप कंफ्यूज रहें, बहुत बड़ी मात्रा में हमारे कंट्री में लोग कंफ्यूज हैं और अपने कल्चर और अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर कहीं ना कहीं एक असमंजस है, और जिसको बरकरार रखने में जो यहाँ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, अभी देखा जा रहा है एक ट्रेंड चला हुआ है, वो उसको बरकरार रखने में बहुत बड़ी तादाद में अपना रोल अदा कर रहे हैं कि ताकि एक बहुत बड़ा चंक जो है वो, एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वो कंफ्यूज ही रहे, और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि 8,500 लेने के लिए कतार लगी हुई है, चुनावी नतीजों के बाद से लगातार वो भीड़ बढ़ती जा रही है, कुछ लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये पैसा तो अब मिलने वाला नहीं है, भले ही सरकार बनी ना बनी लेकिन जीते हैं तो जीतने के बाद वो पैसा देना चाहिए था, तो ये एक पूरा एक सोशल मीडिया पे चल रहा था और उसी का नतीजा देख रहे हैं कि लोग लाइनों में लगे हैं। तो सर की ये बात ठीक है कि अब कंफ्यूजन की स्थिति में है हमारे देश में, और ये एक आइडेंटिटी की लड़ाई हो गई है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई को देख रहे हैं, और ये अमृतपाल सिंह का जीतना हो, ये बारामूला से इसका इंजीनियर राशिद साहब का जीतना हो, आप इन लोगों का देखें, इन लोगों के जो नारे हैं, इनकी जो पुरानी वीडियोस हैं तो उसमें किस तरह के स्टेटमेंट पास आउट किए गए हैं, और उसको लेकर लोगों में अगर इस तरह का आक्रोश है कि वो उनको जिताकर उसका जवाब देना चाहते हैं, तो हमें बहुत सोचने की जरूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। खैर सर, अभी पड़ोसी का भी बात कर लेते हैं, उनकी कोई मुबारकबाद तो हमें नहीं दिखी रिजल्ट के फौरन बाद, लेकिन हम उनकी तरफ से उनके डॉन अखबार का और उनके चैनल्स का रिएक्शन और उनके सहाफियों का पूरा पूरा दिन का तस्करा इलेक्शन को लेकर चलता रहा, अभी भी वो जारी है, तो उसमें मैं डॉन का देख रही थी, इंडिया डिफीट हेट, मोदी लेफ्ट एट मर्सी ऑफ मुस्लिम फ्रेंडली अलाइज, इंडिया डिफीट हेट, व्हाट इज दिस, ये इस तरह की हेडिंग्स के साथ जो है वो अपने पूरे देश को खबर देते हैं भारत के चुनाव की। जी अब क्या कहेंगे? नहीं, मैं क्या बोलूं इस पे, आपके चैनल पे क्या होता है हेट, कौन कहता है मूर्ति पूजा गलत है, हेट क्या होता है, तुम्हें हेट है, सामने वाला तो मजार पे भी जाके मत्था टेक रहा है, जहां हो रहा है मत्था टेक के चला रहा है, कुछ भी हो रहा है खा ले रहा है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सिखा रहे हो प्रसाद मत खाओ, तुम सिखा रहे हो कि किसी के मंदिर में चले गए तो तौबा पढ़ो, कौन है हेट कर रहा है भाई, हाउ टू से क्या है हेट, ये हिंदू फोबिया जो फैला, ये जो नैरेटिव, ये जो मोनोथीजम ने जो नुकसान किया इस देश का, अपने आप को मोनोथीजम ने सही साबित करने के लिए हमारे को मिथ साबित कर दिया, हमारा योग मिथ हो गया, आयुर्वेद मिथ हो गया, और इनका जो चमत्कार है मिरेकल है वो सब सच हो गया, ये और हम कह रहे हैं एकम सत बहुधा विप्रावदंती, हम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम और रहमत आले है वो बरकातु, ये कहने में हमको पेट में जरा सा दर्द नहीं होता, और आप कह रहे हो कि हेट हमारे यहाँ है, मोदी जी को अरबों ने सबसे ज्यादा एडवर्ट वो दिया, अवार्ड दिया अरबों ने अपने यहाँ पे, इवन जो ये बाबा बागेश्वर है उनका प्रवचन करवाया अपने यहाँ बुला करके, अरबों की जमीन पे उन्होंने मंदिर खुलवा दिया, तुम्हारी जमीन पे तो एग्जिस्टिंग मंदिर को तुम तोड़ दिया जो तुम्हारे पुरखों ने बनाए थे, और तुम कह रहे हो हेट,
पाकिस्तान इज द सिनोनिम ऑफ हेट। पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान की आइडेंटिटी, पाकिस्तान की किताबें, पाकिस्तान का राजनीति, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के वजूद नफरत पे है। नफरत के अलावा कुछ नहीं सिखाया उन्होंने। इतना नफरत भर दिया है कि एक आम पाकिस्तानी वो हिंदू से नफरत करता है, वो यहूदी से नफरत करता है, वो क्रिश्चियन से नफरत करता है, वो अमेरिका से नफरत करता है, वो सबसे नफरत करता है। और वो प्यार किससे करता है? जो उससे नफरत करता है, चाइना से। अभी चाइना ने इस्लामिक मस्जिद को यूं तोड़ा, उन्होंने कहा पगोड़ा स्टाइल में मस्जिद बनाओ। ये चाइना की फेवर करने वाले, यहां पे हम कहें कि ये मस्जिद जो तुम बनाते हो अरबी स्टाइल में और तुर्की स्टाइल में, ये मीनारे जो बनाते हो, इन मीनारों को तोड़ करके और मंदिर स्टाइल में तुम मस्जिद क्यों नहीं बना सकते? मस्जिद का क्या कोई आर्किटेक्चर है? तुम तो मंदिर स्टाइल में, तुम नागरी शैली में भी, नागर शैली में भी तुम वो बिल्डिंग बना करके नमाजें अदा कर सकते हो। मैं तो जब जर्मनी में रहता था तो उन्होंने तो मकान दिए हुए थे खाली, उस मकान में भी लोग जाकर के नमाज पढ़ लेते थे। तो भारत की तुमको हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना है लेकिन भारत माता की जय नहीं कहना। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज जो साली इंडियन है उसको हम नहीं मानेंगे, और हम दिन रात इंडियन कहेंगे, हर चीज हम भारतीय रहेंगे लेकिन मानेंगे नहीं हम। ये जो समस्या है ना, इस समस्या से लड़ना पड़ेगा। भारत के में सेक्युलरिज्म की ज्यादा, सबसे ज्यादा जरूरत है, और पाकिस्तान में उस सेक्युलरिज्म तब आएगा जब भारत में आएगा। भारत को हिंदू फोबिया से लड़ना पड़ेगा, भारत को हिंदुओं की आवाज बननी पड़ेगी। हमारी हजारों हजार साल की संस्कृति है, हम ही नेपाल है, वो हिंदू राष्ट्र था, उसने अपने आप को सेक्युलर डिक्लेयर कर दिया। तो ये जो हिंदू फोबिया है ना, कि अगर कोई हिंदू की बात करे तो वो हेट की बात करता है, इप्सो फैक्टो आरएसएस हेटरेड वाली जगह है। आरएसएस ने क्या कर दिया बेचारा ऐसा? वो अपने कल्चर को प्रिजर्व और प्रमोट करने की बात करे तो वो हेटरेड हो गया, और तुम अपने कल्चर और तुम अपने रिलीजन का प्रमोट करना चाहो और अपने रिलीजन के नाम पे अरबी जो है इंपीरियलिज्म को, भाई क्या है, रिलीजन के नाम पे लॉ लेके आ जाते हो ना तुम। भगवान तो लाते नहीं, सिर्फ भगवान ले आओ कोई दिक्कत नहीं है, तुमको लॉ चाहिए। तो रिलीजन के गार्ब में इंपीरियलिज्म, ये औपनिवेशिकवाद है। क्या रिलीजन सिर्फ क्या एक ही लॉ सही है, बाकी लॉ गलत है? वो इनहेरिटेंस का जो अरबों का लॉ है वही सही है, बाकी इनहेरिटेंस का लॉ ही गलत है? ये क्या है? ये भगवान को मानो ना भाई, अल्लाह मियां को मानो। तो पॉइंट ये कि पाकिस्तान इट्स अ कंट्री विद नॉलेज क्राइसिस। जी एग्जैक्टली ये इनकी इस हेडिंग का या इस तरह के जो भी इनके इनके सहाफी, बड़े बड़े सहाफी जो तस्करे कर रहे हैं कि जो एक अलायंस है मुस्लिम फ्रेंडली है, तो इसका इन लोगों के पास क्या सोर्स है? ऐसी तो भारत में कोई रिपोर्ट नहीं छपी है कि कौन सा अलायंस मुस्लिम फ्रेंडली है, कौन सा अलायंस हिंदू फ्रेंडली है। तो डॉन का जो हेडिंग है वो है तो सही, आप अगर भारत के मुसलमान के पर्सपेक्टिव से देखिए, वो भी यही कह रहा है कि मोदी हेट फैलाता है। ये धुराठी क्या करता था भाई? मोदी हेट करते हैं, इस्लाम से हेट फैलाते हैं, इस्लाम को नहीं मानते, जबकि राम ये अभी चल रहे हैं, वहां पे 1000 या 1200 मुस्लिम फैमिली थी, वहां पे 500 मकान भी बनवा दिए गए, एक वोट नहीं मिला। तो आप अपने रिलीजन से ऊपर नहीं उठना चाहते, सामने वाले को चाहते हो अपना कल्चर रिलीजन सदियों से हजारों साल का छोड़ दे, अरबी बन जाए यहाँ पे, हर शहर का नाम पैगम्बर पूरा कर दे, हर शहर का नाम मोहम्मद पूरा कर दे और रामपुर हटा दे। ये कौन सा पागलपन है? ये कौन सा पागलपन है कि यहाँ के कल्चर को मिटा करके दूसरा कल्चर ला दो? इससे क्या अचीव कर लोगे तुम? क्या मिल गया पाकिस्तान का बना करके? क्या अचीवमेंट है पाकिस्तान के 70 साल का? अचीवमेंट बता दो इस देश को कि तुमने हिंदुस्तान को तोड़ के इस्लामिक तरीके से चला के देख लिया ना। तुम इस्लामिक जो शरिया थी जिसमें न्याय होता, जिसमें जस्टिस होता, जिसमें दूध दही की नदियां बह जाती, शरियाई लॉ ऐसा लॉ होता, पाकिस्तान तो तुमने चला रहे हो ना उसी तरीके से। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को इस्लामिक प्रूफ करने के लिए। तो काहे नहीं हो रहा है वहां पे, सुख समृद्धि नहीं आ रही है? भारत हिंदुइज्म से चलता है तो आज तक जुड़ा रहा, बल्कि और भी नए देश जुड़ गए, इसमें नए प्रांत जुड़ गए। पाकिस्तान तो इस्लाम से जुड़ा, तोबा टूट गया, खाने के पैसे नहीं है, आटा मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं दुनिया भर में अपने देश को चलाने के लिए। वो देश जो कि कभी सोने की चिड़िया थी उसको उन्होंने भिखारी बना के रख दिया है। वो देश जो कभी नॉलेज का विजडम था, आज वो टेरर का, इट्स अ डेन ऑफ टेररिज्म। लेकिन नहीं, मानना ही नहीं है सच्चाई को।
आज पाकिस्तानी क्यों जानने चाहते हैं, वो खुद कहते हैं कि उनका हरा पासपोर्ट देकर के उनको कहता भैया साइड में हो जाओ, आपको नहीं पता कौन का एक बेचारे अमेरिकन ने एक डॉक्टर को, मेडिकल डॉक्टर को अमेरिका बुलाया पाकिस्तान से, उनको फुलब्राइट स्कॉलरशिप दी, वो जाके वहां फट गए। इतनी तो तुमने नफरतें भेज, भाई तुम अपना रिलीजन सही बताने के लिए दूसरों को गलत काहे बताते हो। सब एग्जिस्ट कर सकते हैं, दुनिया में बहुत से रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, सब साथ में को एग्जिस्टेंस सीखो, लेकिन अपना सही बताने के लिए दूसरे में जबरदस्ती का कीड़ा ढूंढोगे, और दूसरा वाला जब आपको आप उस कीड़े का जवाब दे तो उसकी गर्दन काट दो, ये कुछ ना बोले हमको फ्रीडम है, हम चाहे जो बोले। मैं देख रहा था पाकिस्तान के एक मौलाना साहब तो कहते 2024 हिंदू गायब, 2024 हिंदू गायब। आज तुम कहते हो कि मौलाना जाहिलियत फैलाते हैं, और ये भी बताते हो कि इस्लाम के आने से पहले अरबिया में जाहिल था, जाहिलियत थी, तो ये दोनों कैसे हो सकता है? अगर कुरान ज्ञान का सोर्स है तो फिर मौलाना जाहिल कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो कुरानिक बातें करता है। किसमें नफरत है? इस्लामोफोबिया इन लोगों में है, वरना मौलानाओं के हाथ में दो तुम अपने शासन को, क्योंकि वो जानते हैं कुरान में क्या लिखा है। मुफ्तियों को दो, काजियों को दो, वो चलाए तुम्हारा देश। तुम्हें सेक्युलर लॉ भी चाहिए, जसा भी चाहिए, वो अंग्रेजी वाला ये पहन के। तो देखिए कैसे मैं कहूं कि भाई मैं बॉटम लाइन क्या है, मैं कोई मोहम्मद है तो मैं उससे भी प्यार करता हूँ, मेरे बहुत अच्छे सीरियन फ्रेंड है, मेरे बहुत अच्छे खजाक फ्रेंड है जो सब मुसलमान थे, अरबिक फ्रेंड है वो मुसलमान थे, ईरानियन फ्रेंड है वो मुसलमान थे, मैं किसी की रिलीजन नहीं देखता। लेकिन हमसे पूछे पड़े हो कि हम नफरत करते, लेकिन भाई मैं हिंदुइज्म की बात करूंगा, मैं अपने पुरखों की बात करूंगा, वही मेरी पहचान है, जिन्होंने राम से अपने आप को विमुख कर लिया, जिन्होंने राम से अपने अपनी उसको काट दिया, वो क्या अरबी बन गए? अरब में भी जाने के लिए वीजा लेना पड़ता है तुमको, जब चाहते हो ठुड्डे मार के निकाल देते हैं, वीजा बैन कर रखा है पाकिस्तान के कई स्टेट्स, कई डिस्ट्रिक्ट का। तो अगर तुम अरब हो भैया, अगर इस्लाम एक उम्मा है तो अरबी में वीजा लेने काहे जाते हो, ऐसे ही चले जाओ ना। अभी अफगानियों को निकाल दिया वहां के पाकिस्तानियों ने, कहा कि ये तो हमारे यहाँ रेफ्यूजी हैं। वो कैसे रेफ्यूजी हैं? अगर वो इस्लाम का लैंड है, अगर इफ्स लैंड ऑफ मुसलमान, तो फिर अफगानी जो मुसलमान है वो रेफ्यूजी कैसे हो गया? वो तो उसकी जमीन है। सो अगर झूठ और झूठ इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ आपसे, मैं अक्सर ये टॉपिक रह जाता है आपसे बात करने का, अफगानिस्तान को लेकर एक अलग टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ कि जब वो एक इस्लामिक लैंड है और वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो फिर आप कैसे उन्हीं लोगों को वहां से तितर बितर कर सकते हैं? बाकी सबके साथ भी क्या हो रहा है? खैर, आज की चर्चा का मुद्दा जो था वो काफी लंबा हो गया सर, लेकिन आप यहाँ पर आपको लेकर बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इसी प्रोग्राम के अंदर वो कमेंट लूँ या एक नेक्स्ट वीडियो हम करें जिसमें जो आपसे है। आप पूछ लीजिए, जो कमेंट है इसको दो पार्ट में लगा दीजिएगा, पार्ट वन पार्ट टू करके, कमेंट वाला पार्ट है तो वो लगा दीजिएगा। चलिए, आज के इस टॉपिक पे आपने जो बात की है उस पर मैं चाहूंगी जरूर हमारे प्यारे व्यूअर्स इस पूरी वीडियो को शेयर करें, और इलेक्शन को लेकर सर की जो सर का जो मानना है और पाकिस्तान को लेकर जो सर की प्रतिक्रिया है, जो भी उन्होंने लिखा, और वो अपने देश को नहीं देखते हैं लेकिन वो हर वक्त भारत के ऊपर नजर रखते हैं, तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर और भी फर्दर डिस्कशन हो सकता है, लेकिन अब इसको इस वार्ता को यहीं रोकते हैं। और कुछ कमेंट जो सर से मुतालिक हैं, अभिषेक सर से पूछे हैं लोगों ने कुछ सवाल, वो सवाल ले लेते हैं। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं सर, जैसे कि किसी ने लिखा कि आप जब पाकिस्तानी चैनल पर जाते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल कुछ अलग होता है, ये लबोलबाब यही है क्योंकि इससे मिले जुले कुछ कमेंट थे, या किसी भी और के चैनल पर होते हैं तो पाकिस्तानी चैनल पर जो आपका एनर्जी लेवल, जो फेशियल, ये इनका सवाल है। देखिए